ओम शांति। आज 25 नवंबर 2023 के साकार मथुर महावाक्य है। आज की मथुर मुरली में बाबा ने बच्चों से बहुत मीठी मीठी रू रूहान की है और बड़े स्नेह भरे शब्दों में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान की बुलबुल बनना है, ज्ञान की बातें सुनकर औरों को सुनाना है, जिससे लौकिक पारलौकिक मात पिता का नाम वाला हो सके। इसी समय शिव बाबा आकर सत्य ज्ञान देते हैं, तो बाबा का परिचय दूसरों को देना है। सावधान किया बाबा ने, क्या बच्चों को घोस्ट से बच कर रहना है, मोह का भी बड़ा भूत है। ऐसे तो पांचों ही विकार घोस्ट हैं, मुख्य रूप से मोह विकार है। बाबा ने कहा, कई बच्चों को यहाँ रहते हुए भी अपने लौकिक मित्र संबंधी याद आते रहते हैं, बुद्धियोग भटकता रहता है, थोड़ी सी बीमारी हुई देहधारी याद आ जाएंगे। अगर आप योग बल जमा करें तो दुख दर्द ठीक हो जाएंगे। गाते हैं, अपनी घोट तो नशा चढ़े, इसका अर्थ अपना बुद्धि योग यहाँ वहाँ भटकाना नहीं, एक बाबा से लगाना है। ज्ञान की धारणा अपने में अच्छे से करनी है, तभी दूसरों को भी करा सकेंगे। बाबा की मुरली जरूर सुननी है। बाबा की मुरली में सभी प्रश्नों का समाधान मिलता है। नहीं आ सकते तो घर बैठ करके भी पढ़नी है। पारलौकिक मात पिता का शोक करना है। बाबा कहते, मैं बच्चों के सामने ही प्रत्यक्ष होता हूँ, ब्रह्मा के द्वारा तुम बच्चों को ज्ञान देता हूँ, ये तुम्हारी माता है। गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। इस समय आपको सुख घनेरे प्राप्त हो रहे हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान की बुलबुल बन, सारा दिन ज्ञान की टिकलू टिकलू करते रहो, लौकिक पारलौकिक मात पिता का शोक कर सकेंगे। ज्ञान की बुलबुल बन, सारा दिन ज्ञान की टिकलू टिकलू करते रहो, तो लौकिक पारलौकिक मात पिता का शोक कर सकेंगे। क्वेश्चन है, कहावत है, अपनी घोट तो नशा चढ़े, इसका भावार्थ क्या है? अपनी घोट तो नशा चढ़े, इसका भावार्थ क्या है? अपनी घोटना अर्थात बुद्धियोग इधर उधर ना भटका कर एक बाबा को याद करना। एक बाप बुद्धि में याद रहे तो नशा चढ़े, परंतु इसमें देह अभिमान बहुत विघ्न डालता है। थोड़ी सी बीमारी हुई परेशान हो जाते हैं, मित्र संबंधी याद आने लगते हैं, इसलिए नशा नहीं चढ़ता। योग में रहें तो दर्द भी कम हो जाए। अटेंशन से सुनेंगे, अपनी घोटना अर्थात बुद्धियोग इधर उधर ना भटका कर एक बाबा को याद करना। एक बाप बुद्धि में याद रहे तो नशा रहे, परंतु इसमें देह अभिमान बहुत विघ्न डालता है। थोड़ी सी बीमारी हुई परेशान हो जाते हैं, मित्र संबंधी याद पड़ते हैं, इसलिए नशा नहीं चढ़ता। योग में रहें तो दर्द कम हो जाए। गीत है, तूने रात गवाई सोई के, दिवस गवायो खाए। ओम शांति। ये सब बातें शास्त्रों में लिखी हुई हैं, एक दो को समझाते भी हैं, अनेक प्रकार की मतें गुरु लोग देते हैं। बहुत अच्छे अच्छे भक्त कोठरी में बैठ, एक गौमुख कपड़ा होता है उसमें अंदर हाथ डाल माला फेरते हैं, ये भी सिखाया हुआ फैशन है। बाबा कहते, सब छोड़ो, आत्मा को तो सिमरण करना है बाप का। इस समय आत्मा को सिमरण करना है बाप का, इसमें माला सिमरने की बात नहीं। सबसे अच्छा गीत है शिवाय नमः, इसमें ही समझाया जाता, तुम मात पिता हो, भगवान को ही रचता बाप कहते हैं। अब रचता कहा जाता तो क्या क्रिएट करते हैं, जरूर ये तो सब समझते हैं, नई दुनिया ही रचेंगे। गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे,
तुमरी कृपा से सुख घने रे। तो पहला ईश्वर सबका फादर ठहरा। फादर है तो मदर जरूर चाहिए, मदर के सिवाय क्रिएट कर ना सके। सिर्फ ये कोई नहीं जानते कि क्रिएट कैसे करते हैं। दूसरा, आपस में सब भाई बहन हो गए, फिर विकार की दृष्टि नहीं जा सकती। आत्मा रूप में भाई भाई, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, भाई बहने तो विकार की दृष्टि फिर जा नहीं सकती। एक मात पिता है ना, तो ये पॉइंट बहुत अच्छी है समझने और समझाने के लिए। तीसरा, जरूर बाप ने सृष्टि रची होगी, हम बालक थे फिर बने हैं। 84 जन्मों का चक्र पूरा होने के बाद फिर अब मात पिता के बने हैं, जिसका ही भक्ति मार्ग में गायन चलता। मात पिता सृष्टि रचते हैं, उनके बालक बनते हैं, तो जरूर सुख घनेरे देते होंगे। ये कोई भी नहीं जानते, परमात्मा मात पिता बनते हैं। टीचर भी है, सतगुरु भी है। हम ब्रह्मा की औलाद आपस में भाई बहन ठहरे, कहलाते भी हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। उनको भी रचने वाला वो है। सुख घनेरे पाने के लिए मात पिता से राजयोग सीख रहे हैं। सुख घनेरे तब मिलते जबकि हम दुख में हैं। ऐसे नहीं कि भविष्य सुख में आकर शिक्षा देंगे, जब हम दुख में हैं तब शिक्षा मिलती सुख में जाने की। वही मात पिता आकर सुख देते हैं। एडम और ईव तो मशहूर है, वो भी गॉड, जरूर गॉड की संतान ठहरे। तो गॉड फिर कौन? बच्चे तो जानते हैं, बाप जो नॉलेज देते हैं ये सब धर्म वालों के लिए है। सारी दुनिया का उस बाप से बुद्धियोग टूटा हुआ है। माया घोस्ट बुद्धियोग लगाने नहीं देती और बुद्धियोग तोड़ती है। माया रूपी भूत बाबा से बुद्धियोग तोड़ाती है। बाबा आकर घोस्ट पर जीत पहनाते हैं। आजकल दुनिया में रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हैं। यह है घोस्ट की दुनिया। काम विकार रूपी घोस्ट एक दो को आदि मध्यम दुख देता है। एक दो को दुख देना घोस्ट का काम है। सत्युग में घोस्ट होता नहीं, तो ये भी समझाया कि घोस्ट नाम बाइबल से है। रावण माना घोस्ट, ये है ही घोस्ट का राज्य। सत्युग राम राज्य में घोस्ट होता नहीं, वहां सुख घनेरे होते हैं। ओम नमो शिवाय का गीत बहुत अच्छा है। शिव है मात पिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर को मात पिता नहीं कहेंगे, शिव को ही फादर कहेंगे। एडम ईव अर्थात ब्रह्मा सरस्वती यहाँ हुए हैं। वहां क्रिश्चियन लोग गॉड फादर से प्रार्थना करते। ये भारत तो मात पिता का गांव है, उनका जन्म ही यहाँ है। तो समझाना है तो मात पिता गाते हो तो आपस में भाई बहने ठहरे। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते, वो तो एडॉप्ट करते हैं। सरस्वती भी एडॉप्ट हुई है, प्रजापिता ब्रह्मा ने एडॉप्ट किया, तब इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने। शिव बाबा एडॉप्ट कराते जाते, नई सृष्टि ब्रह्मा द्वारा ही रची जाती। समझाने की बहुत युक्तियां हैं परंतु पूरा समझाते नहीं। बाबा ने बहुत बार समझाया, शिवाय नमः का गीत जहां तहां बजाओ। हम मात पिता के बालक कैसे हैं वो बैठ समझाते। ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि स्थापन की थी, अब कलयुग का अंत है, फिर से सतयुग स्थापन हो रहा है। बुद्धि में धारणा करनी है, नॉलेज बड़ी सहज है। माया के तूफान ज्ञान योग में ठहरने नहीं देते, बुद्धि चक्रित हो जाती है। हमेशा समझाना चाहिए, भगवान रचता सबका बाप है, फादर तो सब कहेंगे ना, या निराकार तो जन्म पुनर्जन्म रहित है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म चोला है, मनुष्य 84 जन्म यहाँ ही लेते, सूक्ष्म वतन में नहीं लेते। तुम जानते हो मात पिता के बालक हैं, हम हैं नए बच्चे। बाबा ने अडॉप्ट किया, जब प्रजा पिता ब्रह्मा है तो कितनी प्रजा होगी। जरूर अडॉप्ट किया होगा। ब्रह्मा को भुजाएं बहुत दिखाते, अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं। ब्रह्मा को सहस्त्र भुजाएं दिखाते हैं, इसका अर्थ नहीं समझते। जो बाबा के बच्चे बाबा के कार्य में मददगार बनते हैं वो भुजा के रूप में गाए जाते हैं। जो भी चित्र निकले हैं, शास्त्र निकले हैं, सब ड्रामा के ऊपर आधार रखना पड़ता। ब्रह्मा का दिन था, फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ, वो चला आ रहा है। ये राजयोग बाबा सिखाते हैं, ये स्मृति में रहना चाहिए।
कहते अपनी घोट तो नशा रहे, परंतु बुद्धियोग बाबा के साथ होना चाहिए। यहाँ तो बहुतों का बुद्धियोग भटकता रहता, पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी की तरफ देह अभिमान में फंसे रहते, थोड़ी बीमारी होती परेशान हो जाते। अरे योग में रहेंगे तो दर्द आदि भी कम हो जाएगा, योग नहीं तो बीमारी आदि कैसे छूटे। ख्याल करना चाहिए, माता पिता जो नंबर वन पावन बनते हैं वही फिर सबसे जास्ते नीचे उतरते, उनको बहुत भोगना भोगनी पड़े, परंतु योग में रहने के कारण बीमारी हटती जाती है। नहीं तो इनको सबसे जास्ती भोगना चाहिए, परंतु योग बल से दुख दूर होते हैं, बहुत खुशी में रहते हैं। बाबा से हम स्वर्ग के सुख घनेरे लेते। बहुत बच्चे अपने को आत्मा समझते नहीं, सारा दिन देह का ध्यान है। बहुत बच्चे अपने को देह समझते हैं, आत्मा नहीं समझते हैं, देह का भान रहता है। बाबा आकर ज्ञान की टिकलू टिकलू सिखाते हैं, मतलब दूसरों के साथ कैसे शेयर करना है वो बाबा सिखाते हैं। तो तुम्हें ज्ञान की बुलबुल बनना है। बाहर में बहुत अच्छी छोटी छोटी बच्चियां हैं, ज्ञान की टिकलू टिकलू करती हैं। भीष्म पितामह आदि को भी कुमारियों के द्वारा ज्ञान दिया। छोटे छोटे बच्चों को खड़ा करना है। छोटे बच्चे लौकिक पारलौकिक मात पिता का शो करते हैं। लोक परलोक सुहेला होता है तो लौकिक मात पिता को उठाना पड़े। ये भी तुम देखेंगे छोटी छोटी बच्चियां माँ बाप को उठाएंगी। कुमारी का मान होता है, कुमारी को सब नमन करते हैं। शिव शक्ति सेना में सब कुमारियां हैं, भले माताएं हैं परंतु वो भी कहलाती तो कुमारी है ना। कुमारियां बड़ी अच्छी अच्छी निकलेंगी, छोटी छोटी बच्चियां बड़ा शो करेंगी। कोई कोई छोटी बच्चियां बड़ी अच्छी हैं परंतु कोई कोई में मोह भी बहुत है। ये मोह बड़ा खराब है, ये भी एक भूत है, बाबा से बेमुख कर देता है। घोष्ट माया का धंधा है परम पिता से बेमुख करना। ये ओम नमः शिवाय वाला गीत बड़ा अच्छा है, इनसे अक्षर मिलते हैं। तो मात पिता अक्सर करके राधे कृष्ण के मंदिर में जोड़ा दिखाते हैं। गीता में श्री कृष्ण के साथ श्री राधे का नाम है नहीं, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। उनकी महिमा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। शिव की महिमा अलग है। शिव की आरती पर कितनी महिमा गाते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते, पूजा करते करते थक गए। जानते हो मम्मा बाबा और हम ब्राह्मण सबसे जास्ती पुजारी बने, अभी फिर आकर ब्राह्मण बने, उसमें भी नंबरवार है। कर्म भोग भी होता है, उसको योग से मिटाना है। जो भी कर्म भोग है योग से मिटाना है, देह अभिमान तोड़ना है। बाबा को याद कर बहुत खुशी में रहना है। माता पिता से हमें बहुत सुख घनेरे मिलते हैं। ये ब्रह्मा कहेंगे ना, बाबा से हमें वर्षा मिलता है, बाबा ने हमारा रथ लोन लिया, अब बाबा इस रथ की खातरी करेंगे। शिव बाबा ब्रह्मा तन की भी खातरी करते हैं। पहले तो समझता था मैं आत्मा इस रथ को खिलाता हूँ, ये भी रथ है ना, अब कहेंगे इनको वही सिखाने वाला है, इस रथ की संभाल करनी है। घोड़े पर साहिब लोग चढ़ते हैं तो घोड़े को हाथ से खिलाएंगे, कभी पीठ पर हाथ फेरेंगे, बहुत खातरी करते हैं क्योंकि उन पर सवारी करते हैं। बाबा इस पर सवारी करते तो क्या बाबा खातरी नहीं करते होंगे। शिव बाबा जब ब्रह्मा तन का प्रयोग करते हैं तो क्या वो उनकी केयर नहीं करेंगे, संभाल नहीं करेंगे। बाबा जब स्नान करते हैं, समझते हम भी स्नान करते हैं, बाबा को भी कराना है क्योंकि उसने उस रथ इस रथ का लोन लिया है। शिव बाबा कहते मैं भी तुम्हारे शरीर को स्नान कराता हूँ, खिलाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, शरीर को खिलाता हूँ। बाबा खिलाते हैं, खाते नहीं है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को खिलाते हैं, खाते नहीं है। ये सब किस्म किस्म के ख्यालात चलते हैं स्नान के समय, घूमने के समय। ये तो अनुभव की बात है ना, बाबा खुद कहते बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ, ये अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं जानता हूँ। तुम कहते हो बाबा फिर हमें ज्ञान दे रहे हैं, वर्षा लेना है स्वर्ग का। सत्युग में राजा प्रजा सब है, पुरुषार्थ करना है बाबा से पूरा वर्षा लेने का। अब नहीं लेंगे
कल्प कल्प मिस करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। अगर अभी वर्षा नहीं लिया तो कल्प कल्प रह जाएंगे। 5-4 वर्ष की बाजी है, इतना उच्च पद पा नहीं सकेंगे। जन्म जन्मांतर की बाजी है तो कितना श्रीमत पे चलना चाहिए। कल्प कल्प निमित्त बनेंगे, कल्प कल्प वर्षा लेते आए, कल्प कल्प के लिए पढ़ाई है, इसमें बहुत ध्यान देना है। 7 रोज लक्ष्य लेकर फिर मुरली घर में भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सहज कर देते। ड्रामा तो बुद्धि में रहना चाहिए। इसको वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता, कहाँ अमेरिका आदि की तरफ चले जाओ, बाबा से पूरा वर्षा ले सकते हो। सिर्फ 1 हफ्ता धारणा करके जाओ, कहीं भी जाओ ज्ञान योग की धारणा करके जाओ। भगवान के बच्चे हैं तो भाई बहने ठहरे ना, प्रजापिता ब्रह्मा है तो उनके सब बच्चे आपस में भाई बहने ठहरे। जरूर ग्रस्त वार में रहते, आपस में भाई बहन होकर रहेंगे, ऊंची दृष्टि वृत्ति से रहेंगे तो पवित्र रह सकेंगे। बहुत सहज है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, स्वयं को माया घोष्ट से बचाने के लिए ज्ञान योग में तत्पर रहना है। मोह रूपी भूत का त्याग कर बाबा का शो करना है। ज्ञान की टिकलू टिकलू करनी है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर बाबा से वर्षा लेना है। कल्प कल्प किस बाजी को किसी भी हालत में गवाना नहीं। स्वयं को माया घोष्ट से बचाने के लिए ज्ञान योग में तत्पर रहना है। मोह रूपी भूत का त्याग कर बाबा का शो करना है। ज्ञान की टिकलू टिकलू करनी है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर बाबा से वर्षा लेना है। कल्प कल्प किस बाजी को किसी भी हालत में गवाना नहीं है। स्पेशल वरदान, समय प्रमाण, रूप बसंत, अर्थात ज्ञानी योगी तो आत्मा बनने वाले, स्वशासक भव। समय प्रमाण, रूप बसंत बन, अर्थात ज्ञानी योगी तो आत्मा बनने वाले, स्वयं शासक भव। जो स्वयं शासक है वह जिस समय चाहे रूप बन जाए, जिस समय चाहे बसंत बन जाए। जिनका स्वयं पर शासन चल रहा है, स्वराज्य अधिकारी है, वो जब चाहे रूप बन जाए, जिस समय चाहे बसंत बन जाए। दोनों स्थिति सेकंड में बना सकते हैं। ऐसे नहीं कि बनना चाहे रूप, याद आती रहे ज्ञान की बातें, सेकंड में भी कम टाइम में फुल स्टॉप लग जाए, सेकंड से कम टाइम में फुल स्टॉप लग जाए। पावरफुल ब्रेक का काम है, जहां लगाओ वहां लगे। इसके लिए प्रैक्टिस करो, जिस समय जिस विधि से जहां मन बुद्धि को लगाना चाहो वहां लग जाए। प्रैक्टिस करो, जिस समय जिस विधि से जहां मन बुद्धि को लगाना चाहे वहां लग जाए। ऐसे कंट्रोलिंग रूलिंग पावर हो। सरल शब्दों में, जो आत्मा स्वयं पर शासन करना जानती है, वो जब चाहे रूप बन जाए, बिंदु रूप में टिक जाए, जब चाहे ज्ञान की बातें याद करे, बसंत बन जाए। इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। जो स्वयं शासक है, जिस समय चाहे रूप बन जाए, जिस समय चाहे बसंत बन जाए, दोनों स्थिति सेकंड में बना सकते हैं। ऐसे नहीं कि बनना चाहे रूप, याद आती रहे ज्ञान की बातें, सेकंड से भी कम टाइम में फुल स्टॉप लग जाए। पावरफुल ब्रेक का काम है, जहां लगाओ वहां लगे। इसके लिए प्रैक्टिस करो, जिस समय जिस विधि से जहां मन बुद्धि को लगाना चाहो वहां लग जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर हो। स्लोगन है, शांति दूत वह है जो तूफान मचाने वाले को भी शांति का तोहफा दे। शांति दूत वो जो तूफान मचाने वाले को शांति का तोहफा दे। मातेश्वरी जी के महावाक्य हैं, मनुष्य आत्माओं की परमात्मा से मांगनी और प्राप्ति। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे। अब ये महिमा किसके लिए गाई हुई है? अवश्य परमात्मा के लिए गायन है, क्योंकि परमात्मा खुद मात पिता के रूप में आए हैं,
इस सृष्टि को अपार सुख देते हैं। जरूर परमात्मा ने कभी सुख की सृष्टि बनाई, तभी उनको मात पिता कह के बुलाते हैं, परंतु मनुष्यों को पता ही नहीं सुख क्या चीज है। जब इस सृष्टि पर अपार सुख थे, तब सृष्टि पर शांति थी, परंतु अब वो सुख नहीं। अब मनुष्य को चाहना उठते अवश्य है कि वो सुख हमें चाहिए। फिर कोई धन पदार्थ मांगते हैं, कोई बच्चे मांगते हैं, कोई फिर ऐसे भी मांगते हैं कि हम पतिव्रता नारी बने, सदा सुहागिन बने। चाहना सुख की रहती है, तो परमात्मा भी कोई समय उनकी अवश्य पूर्ण करते हैं, आश पूर्ण करते हैं। तो सतयुग के समय जब सृष्टि पर स्वर्ग है, वहां सदा सुख है, जहाँ स्त्री कभी दुहागिन नहीं बनती, विधवा नहीं बनती। तो वो आज सतयुग में पूर्ण होती, जहाँ अपार सुख है। बाकी इस समय कलयुग, इस समय मनुष्य दुख ही दुख भोगते रहते हैं। आज हम सब अभ्यास करेंगे, मैं शांति दूत हूँ, हर कार्य शांति से करना है। अशांति मचाने वाले को भी उसके स्वधर्म की याद दिलानी है, शांति के वाइब्रेशन देने हैं। एकाग्र हो जाएं अपने स्वधर्म में। मैं शांति का सितारा भृकुटी की कुटिया में विराजमान, मेरा स्वधर्म शांति है, मेरे पिता शांति के भंडार हैं। अब मैं अपने स्वधर्म में स्थित हूँ, शांति सागर की, शांति की किरणें मुझ में समा रही हैं। मैं शांति दूत हूँ, मुझसे शांति के प्रकंपन दूर दूर तक फैल रहे हैं। शांति सागर बाबा, मैं शुभ संकल्प करती हूँ, आज हर कार्य मुझे शांति से करना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम।